दिग्विजय सिंह के गौमांस वाले बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा है कि उन्हें अपना नाम बदलकर दिग्विजय खान रख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गौमांस वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां तक कह दिया है कि अगर गौमांस खाना सही है तो दिग्विजय सिंह को नाम बदलकर अपना नाम दिग्विजय खान रख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, रिटायरमेंट है राजनीति का उनका, और यदि गौमांस खाना यदि उचित मानते हैं तो फिर उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, दिग्विजय खान रख देना चाहिए। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में गो हत्याएं हुई तो उसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी उन्हें सलाह दी है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि गाय हमारी माता स्वरूप है, उसके भक्षण के बारे में सोचना भी पाप है। हम बेरोजगारी महंगाई पर चिंता करें, चर्चा करें तो उचित होगा। दरअसल शनिवार को भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था, हिंदू का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं, ऐसे भी हिंदू हैं जो गोमांस खाते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।